घर की बेटी दाल बराबर। आन्या डांस करने में उस्ताद, एक स्टेप जो वो देख लेती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है, नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना, वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती। लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहा है आन्या, उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहाँ आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट, बेटा कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ है, वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना, वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है, हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा, कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहाँ आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है, उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो, आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट है, धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या। यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को माँ पापा के इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है, लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पर कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये, पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से, मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ, मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उसे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कॉम्पिटिशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की, भई भगवान बेटी दे तो ऐसी, कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ,
रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता, ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या, हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं, अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता ना करें, बस पापा का इलाज करवा ले। आन्या के कहने पर वो बड़े डॉक्टर ना सिर्फ आन्या के पापा का इलाज करते हैं बल्कि उन्हें ठीक करके घर भी ले आते हैं। आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बच गया, भगवान सबको ऐसी बेटी दे।